हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुकन्या और आज मैं बात करने वाली हूं कि क्या बच्चों को एसी में रखना सेफ है या नहीं। तो आइए आज उसके बारे में बात करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। गर्मी का मौसम आ चुका है और जो भी न्यू पेरेंट्स हैं उनके मन में ये बार बार क्वेश्चन आता होगा कि क्या हम अपने बेबी को एसी में रख सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, आप अपने बच्चे को एसी में रख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। जो मेरा पहला पॉइंट है, बेसिकली डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि एसी में बच्चे को रखा जा सकता है, क्योंकि अभी जो गर्मी का मौसम है तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, तो बच्चे को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बच्चे अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो उसको एसी में आराम से रखा जा सकता है। तो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, खासकर जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप उन्हें गर्म माहौल में रखेंगे तो बाहर का जो गर्मी है उससे हो सकता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाए, उन्हें लू लग सकती है, उन्हें इचिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें बॉडी में एक्ने हो सकता है। तो ये सारी चीजें से बच्चे को सफर नहीं करना पड़े, तो इसीलिए बच्चे को ठंडे माहौल में रखना ही सही माना गया है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बेबी को एसी में रखने से उन्हें नींद अच्छी आती है, उन्हें रिलैक्सेशन मिलती है, और जो कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है कि बच्चे के सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो है, एसआईडी सिंड्रोम, वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को अगर आप बहुत ज्यादा देर तक एसी में रख रहे हैं तो भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें ठंड लग सकती है। इसलिए जो जब भी आप बेबी को एसी में रखें तो एसी का जो टेम्परेचर है वो आपका 24 डिग्री से अब ही होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एसी में टाइमर सेट कर दें। जब आप एसी में टाइमर सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपका रूम ठंडा हो जाएगा तो एसी अपने आप ऑफ हो जाएगा। अगर आपके एसी में टाइमर का ऑप्शन नहीं है तो आप अलार्म सेट कर लें, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि इतने देर में हमारा रूम ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद आप एसी को ऑफ कर दें। इससे रूम ठंडा ही रहेगा और बच्चे आराम से रिलैक्स कर पाएंगे। जो अगला पॉइंट है, दैट इज पॉइंट, वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप बच्चे को एसी में रखें तो उसे हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, उसे पतली वाली कॉटन टोपी पहनाएं, और उसे सॉक्स पहनाएं, ग्लव्स पहनाएं, फुल ट्राउजर दें, और उसके बाद एक चादर उसके शरीर पर डाल दें, उसके बाद ही बच्चे को एसी में रखें। सिक्स पॉइंट ये है कि बच्चे को एसी की हवा कभी भी डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। एसी की हवा, आप जहां पर आपका एसी है उससे थोड़े दूर थोड़ा हटकर ही बच्चे को एसी में रखें, क्योंकि अगर बच्चे को एसी की हवा डायरेक्ट लगेगी तो उन्हें सर्दी, खांसी या उनके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सेवन पॉइंट ये है कि अगर आप बच्चे को एसी में रख रहे हैं तो उसे मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि एसी में रहने से बेबी के स्किन जो है, जो कि काफी सॉफ्ट होते हैं, तो वो रफ हो सकती है। तो बेबी के बॉडी में पूरी तरीके से मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके बाद उसे फुल स्लीव्स और सारे कपड़े अच्छे से पहनाएं और उसके बाद ही उन्हें एसी में रखें। जो सेवंथ पॉइंट है वो ये है कि बेबी को एसी में अगर आप रख रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एसी की जो सर्विस है वो हमेशा टाइम टू टाइम करवानी है, क्योंकि एसी में क्या हो सकता है कि डस्ट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकती है, तो अगर बच्चे को वो हवा लगेगी तो बच्चे को एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम एसी की सर्विसिंग करवाएं। और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बेबी को एसी से डायरेक्ट कभी भी बाहर नहीं ले जाएं, क्योंकि अगर आप बेबी को डायरेक्ट एसी से बाहर ले जा रहे हैं तो अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो एकदम ठंडा है या नॉर्मल है और बाहर का टेम्परेचर गर्म है, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा और बेबी को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अगर आपको बेबी को बाहर ले जाना है तो पहले एसी ऑफ कर दें, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होने दें और उसके बाद ही बच्चे को बाहर ले जाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बेबी को एसी में अगर आपको रखना है तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और अपने बेबी को आराम से एसी में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।